और ये देखें साशा के काम देखें बैठ कैसे गई है ये फुल तैयारी है, तैयारी में के मैं भाई ड्राइविंग करूंगी इसकी। तो गाइस दिस इज आफ्टर सारे के सारे जूस पैक हो गए। गाइस हम जा रहे हैं रिक्शे पे, जा रहे हैं गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आज आप देख रहे होगे कि आज बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये पीछे भी कार्टन हमने रखे हुए हैं, इनको भी हमने तैयार करना है क्योंकि आज है भैया मेगा डिलीवरी डे। जो डिलीवरी डे का बाप होता है ना वो आज है, ठीक है, क्योंकि आज हमने तकरीबन को 6 डिलीवरीज करनी है। कितना चूजा हमने आज में निकालना शाजिल? 50 चूजा यार, वो पूरा का पूरा जो कमरा है ना वो हमने सारा खाली कर मारना है। और अभी शाजिल भाई डब्बे तैयार करके उन्होंने रखे हुए हैं, सुराख भी किए हुए हैं और ये छोटे छोटे सुराख भी किए हुए हैं, लंबी लाइनें भी लगाई हुई हैं एयर वेंटिलेशन के लिए। और इतना बड़ा ऑर्डर है कि हमने मेडिसिन के भी 2 पैकेट एडिशनल मंगवा लिए हैं क्योंकि ये 2 पैकेट ऐसे ही चले जाने हैं सारी की सारी में, ठीक है। तो इसलिए हम एहतियाती तौर पर मेडिसिन भी ले आए थे और डब्बे भी हमने तैयार करके रख लिए हैं। अब अखबार डल रहा है क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 डब्बे लेके जाने हैं, 5 से 6 बजे का टाइम है बस का, एबटाबाद और सवात की, तो उधर चूजे जाने हैं। तो ये अब उनके डब्बे तैयार हुए हैं, एक ये डब्बा है ये एबटाबाद का है, इसमें 10 चूजे जाने हैं और ये सवात का, इसमें 4 चूजे जाने हैं। तो अब हम ये इनको हमने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है, बस इनकी पुड़ियाँ बनानी है, तो अब जरा पुड़ियाँ बनाते हैं। गाइस मूसा भाई इसके अंदर अब ये साइमो स्ट्रेस है, साइमो स्ट्रेस इसके अंदर भर रहे हैं। मूसा भाई और डाल दो थोड़ी सी, बहुत है बहुत है। मैंने 3 बॉक्सेस की तैयार की है, बहुत है ना अभी फिलहाल, बाकी तो 8 बजे जाना है। हाँ सही है, कोई थोड़ी सी गिर गई, आओ कुछ नहीं होता। और लें जी गाइस, मूसा भाई थोड़ी डाल तो दो, आज आपको क्या हो गया है यार, काफी सारों को भेजनी है, इतनी बहुत है, ये तकरीबन 3 दिन की डोज है यार, 3 दिन की डोज दी है। ये साइमोस्ट्रेस है ब्रो, तो ये साइमोस्ट्रेस के हम पैकेट्स अंदर डाल देते हैं। और यार ये मैं एहतियाती तौर पे हमेशा भेजता हूँ साथ, क्योंकि ना जो परिंदे होते हैं काफ़ी सफ़र उन्होंने किया होता है, तो सफ़र करके ना वो सफ़र हो जाते हैं, वो सफरिंग हो जाती है उनकी, तो सफरिंग का इलाज क्या है? साइमोस्ट्रेस, ठीक है। तो ये 3 पैकेट मैंने तैयार किए हैं और लें जी, साइमोस्ट्रेस तैयार होगी, अब जरा टाइलोफर्सिन के पैकेट तैयार कर लो। मूसा भाई ना इतना काम किया करो, थक जाओगे, मैं भर देता हूँ, इधर आओ। चलो जी आप भर लो, ये लें जी, मैं आवाम को ज्यादा दूंगा, फायदा करूंगा। बहुत ज्यादा दे दिया आपने शादिल, बहुत ज्यादा दे दिए तुमने। कड़वी है, कड़वी है, कड़वी है। यार इसका साइका जो है ना बहुत ज्यादा कड़वा है, ये जब ओए होए 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 मेरे मुंह में चली, ओए होए अल्लाह तौबा यार, इसका जायका बहुत ही गंदा है, लगता है पैकेट जो था ना वो लीक था इस करके, हाय हाय दिल खराब हो गया। क्या हुआ मूसा भाई? आई थिंक सो इट्स हार्ड फॉर मी। आपने मेरी जान, आपने पैकेट फटा हुआ था, क्या था पैकेट फटा हुआ लगता है? हाँ पैकेट भी तो चेंज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, मैं भर लेता हूँ, ये पकड़ो, मैं भरता हूँ यार, प्रोफेशनल प्रोफेशनल ही होता है भाई, बेशक। इतना कड़वा टेस्ट है ना इसका, इतना कड़वा, कोई आफ्टर टेस्ट बड़ा गंदा, ओके ना कुछ नहीं होता यार। टाइलोफर्सिन आ गई, ले जी ऑलरेडी टंटड़ा ऐसे बोल रहा था ना, और ये तैयार है, ये पूरा पहाड़ आज पे ना, उधर बनेगा क्या दूसरे कमरे में? गाइस पैकेट्स तैयार हैं, अब हस्बे मामूल अब हम क्या करेंगे, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, गलतियां इंसान से होती हैं, जानवरों से नहीं होती। अच्छा हस्बे मामूल अब क्या करेंगे यार, हस्बे मामूल क्या करेंगे, ये पैकेट जो है ना हम इन डब्बों के अंदर लगाएंगे। ये कौन सा लगाया है? साइमोस्ट्रेस लगाया। अब एक टाइलोफर्सिन लगा दें शाजिल भाई, इधर ही लगा देता हूँ, भाइयों को पता ही नहीं चलता।
पता चल जाता है वीडियो। नहीं उस दिन भी एक जवाब भाई को भेजा है, एक यहाँ लगा था एक इधर, उधर से ये उतारा गिट्टा फोल्ड करके फेंक दिया वाकई उधर रूढ़ी पे, फिर कहता भाई मैं उठा के लेके आ रहा हूँ कोई हाल नहीं। चलो जी जनाब ये हो गया, अब बस हम दूसरे कमरे में जाते हैं और चूजे उठा के लाते हैं। तो गाइस ये पूरा पहाड़ एक बन गया और मूसा भाई इधर सुराख कर रहे हैं। इतने ज्यादा मूसा भाई क्यों कर रहे हो सुराख यार? ये बहुत दूर दूर जाने हैं करके, सवाद जाना है, अपनाबाद जाना है, पिंडी जाना है, बहुत दूर है, इस करके मैं हर तरफ अच्छी तरह सुराख कर रहा हूँ ताकि ना एयर वेंटिलेशन का मसला ना हो। ओके सारा गुस्सा इधर ही निकाल रहे हो आज तो गाइस प्लान तो ये था कि हम सिर्फ दो डिलीवरीज करेंगे, लेकिन ये देख रहे हो पहाड़ पूरा हमने तैयार कर लिया। तो शाजिल भाई मुझे कह रहे थे कि यार मूसा भाई ऐसा करो सारी की सारी ना आज ही कर दो, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक दो तीन चार पाँच छः होनी चाहिए थी शाजिल, हाँ पाँच हैं, ज़्यादा होने चाहिए थे गाइस, डब्बे तो कम है मेरे पास, पैकेट्स कितने, एक दो तीन चार पाँच छः हैं मेरे पास, ये किस वजह से कम हुए ना, पहले आपने वो जमशेद भाई का नहीं बताया था ऑर्डर करना। ओह चलो चलें जी शाजिल भाई वो तैयार करके लाते हैं, मुझे से तैयार हो जाएगा फिर हम, ये आज उम्मीद है मुझे कि ये पूरा केज खाली होगा, इधर से भी कुछ केज खाली हो जाएंगे, हमारा पूरा ये कमरा ना चूचा लेस हो जाएगा, फुल चूचा लेस, फुल बटा फुल चूचा लेस। तो जी शाजिल सारे के सारे बॉक्सेस ले आए, और शाजिल सारे बॉक्सेस में टाइलो फर्श मल्टी और साइमो लगा लिए, एक में से निकाल देना। अच्छा एक में निकाल दें, हाँ यार वो न, एक जो भाई है ना पिंडी वाले उन्होंने कहा था कि हमें ना टाइलो और साइमो जो है ना वो साथ भेज दो 100-100 ग्राम के, क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये मेडिसिन रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो उनका वो हम निकाल लेते हैं। कितने चूजे होंगे? छः चूजे हैं, तो किसी एक बॉक्स में से निकाल लो छः के हिसाब से, हाँ बस इसमें से निकाल दो और ये इसमें डाल दो। तो ये जो दो पैकेट हैं ये उन भाई के लिए हैं, लें जी। अब शाजिल ज़रा आप बिस्मिल्लाह करें, और सबसे पहले यार सबसे पहले हमारी बहुत अच्छी माँ जी हैं उम्मे अली, उन्होंने ऑर्डर दिया है सखर से, तो उनका एक सेट है वो निकालना, ठीक है तो वो निकालो, सिल्की का एक सेट है, ये बड़ा वाला मुर्गा निकालो ना, हाँ ये सबसे बड़ा जो है, और छोटी वाली जो छोटी साइज है ना, हाँ ये मुर्गी खड़ी है, ये मुर्गी है और एक छोटी और होगी, हाँ ये खोलो ये लें जी। ये हमारी माँ जी का ऑर्डर आ गया, बहुत अच्छी हैं ये, हमें ना सखर से वॉच कर रही हैं और काफ़ी अरसे से ना अपना ऑर्डर का वेट कर रही थी, तो आपको अगर याद हो तो इनके इनका ऑर्डर डिले हो गया था, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे चूज़े जो थे ना वो फौत हो गए थे, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए थे, क्योंकि वायरस आ गया था सारे के सारे हमारे पेंस के अंदर, तो ये जी इनका ऑर्डर हो गया, अब बाकियों के ऑर्डर हम डन करते हैं। हाँ एक सवाद का ऑर्डर है, सवाद का ऑर्डर है, दो मॉटलेट हैं, दो सिल्वर हैं, नहीं ये छोटे हैं, एक फिर बड़ा उधर से निकाल दो, जो बड़ा वाला ना वो निकाल, ताशु बाहर चली जो, ताशु कहती है भाई मैं नहीं जाती भाई, जो बड़े वाला वो निकाल दो, हाँ ये टूटा हुआ है वो हाँ ये इसको पकड़ो, ये आ गया जी, एक सिल्वर सब राइट आ गया, इनको कौन सा बॉक्स देना, छोटा ही देंगे क्योंकि इनके ज़्यादा चूजे नहीं है, ये आ गया और एक सब राइट उधर से निकालो, ये रह गया, रह गया, ये हो गया इनका। चलें गाइस अब ना हम बाकी के सारे बॉक्सेस को तैयार करते हैं और फिर इनके ऊपर वो स्टैम्प्स लगानी है हमने, वो जो मैंने रखी हुई है, और ये देखें गाइस सारे बॉक्सेस रेडी हैं टू बी शिफ्ट टू द न्यू ओनर्स, और अब बस हमने क्या करना है वो रैपर्स लगाने हैं इनके ऊपर। तो गाइस दिस इज़ आफ्टर सारे के सारे चूसे पैक हो गए, पीछे देखो सिर्फ 5-1 चूसे रह गए, तो ये हम रिक्शे पे लेके जाएंगे इनको आज।
क्योंकि बाइक पे नहीं जा सकते, बाइक की जगह छोटी है। ओए तू ये क्या कर रही है, हैं? तू रिक्शा चलाना है, है साशा? साशा इधर आओ। साशा अभी देखना गाइस, अभी देखना इसकी शक्ल देखना। साशा हम जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। ये रिक्शा ट्रेन हमारी डॉगी है। असल में इसकी आदत बनी हुई है, जब ये जाती थी ना डॉक्टर के पास, तो घर में गाड़ी तो है नहीं मेरे, तो रिक्शे पे मैं इसको लेके जाता, तो बचपन से इसकी आदत बनी हुई है। तो ये एक बॉक्स रख लिया, बाकी बॉक्सेस आ रहे हैं, तो ये अभी पूरे रिक्शों को हम भर देंगे। साशा आ जाओ बाहर। हमारी रिक्शा ड्राइवर डॉगी। और ये देखें साशा के काम देखें, बैठ कैसे गई है। ये फुल तैयारी है, तैयारी में कि मैं भाई ड्राइविंग करूँगी इसकी। और ये देखें गाइस, सारे के सारे बॉक्सेस हमने लोड कर लिए और अब हम जा रहे हैं। तो साशा को मैं ज़रा अंदर बंद करता हूँ और फिर हम निकलते हैं। साशा गाइस हम जा रहे हैं रिक्शे पे, हम रिक्शे पे जा रहे हैं गाइस। यार मैं फंस गया हूं मूसा भाई, मेरा कल लंबा है यार। मेरा कल भी लंबा है, मेरा भी सर ऊपर लग रहा है। 6 फुट कद के ना बड़े नुकसान होते हैं गाइस। तो जी अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जा रहे हैं, बस चक्कर आ रहे हैं। चलें जी रास्ता शुरू। तो गाइस बस अड्डे पे हम आ गए और अभी जो पहला ऑर्डर जो डिलीवर करना है वो सखर का है और वो शाजिल भाई लेके जा रहे हैं। ये रे जी शाजिल भाई और ये इनके साथ है सखर का हमारा ऑर्डर। ये वाली बस है और ये हम ले आए थे, तो वो भाई कह रहे हैं ये इस सीट से, ये पीछे जो सीट है ये वाली, इस सीट पे आप रख दो। और गाड़ी के अंदर अभी तक कोई भी नहीं बैठा, तो इसको हमने इधर रख लिया। इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि ये पहुंच जाएंगे उधर। तो यार ये तो एक कॉटन तो हमने रख लिया, बाकी मजीद और गाड़ियां ढूंढते हैं, जैसे अब्ताबाद है, कराची है, मंसेर है, ये गाड़ियां ढूंढते हैं और उसके बाद उनको भी बिल्टी करवा देते हैं। Hey guys, सखर का ऑर्डर हो गया, अब हम रावलपिंडी का कर रहे हैं। शाजिल भाई ने डब्बा उठाया हुआ है और ये आज लगता है ना रात के 10 बज जाने। 10 नहीं बजे, जलील हो जाएंगे आज। कौन सी वाली बस है? ये वाली है, ये रावल पिंडी का भी हो गया है। ये पिंडी जिन भाई को बेचना था ये भी यहाँ रख दिया और इस जगह रखा है ताकि इधर आराम से इनको हवा लगती रहे। अब चलते हैं और बसों को ढूंढते हैं और किधर है। ये कराची का भी कॉटन आ गया है और ये खड़ी है कराची की गाड़ी। इसको भी बस इसके ड्राइवर से बात करेंगे, सर इसका क्या लेंगे क्या नहीं, उसके बाद इसको भी रखवाएं। और पीछे 3 और हैं वो भी करवा और चलें घर पे। मूसा भाई क्या कह रहे थे कि हमें ये सारी कार्गो करवाते करवाते रात हो जाएगी, और वही बात हुई, फुल अंधेरा छा गया। चलो भाई ये 3 जो रह गई है ना ये भी मुकाएं और चलें घर अपने और जाकर फिर आराम करें सुकून। बस यार ये हम वापसी रक्षे में इतनी रात को जलील और ख्वार होते हुए जा रहे हैं और फिर भी ये 3 बिल्टियां अभी तक बची हुई है। वजह इनकी ये है कि जो केपी के और दूसरी गाड़ी थी ना, जैसे मनसेरा और इनकी, वो गाड़ी हो गई है ख़राब, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं भाई कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे इसका, पता नहीं कोई एक पार्ट है वो ख़राब हो गया, वो मंगवाना पड़ेगा। वो जैसे ही आएगा तो फिर ये जाएगी, तो सुबह 5 बजे हमें ये 3 कार्टन करवाने पड़ेंगे बस। और कुछ नहीं, असी थाके हैं। अगर व्लॉग पसंद आवे लाइक कर दियो, ते अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।